मैं यहाँ तक फील कर पा रहा हूँ। देखो ये यहाँ तक मेरे कपड़े आप देख सकते हैं, ये देखो है ना, ये मेरे कपड़े इससे उड़ रहे हैं, मतलब 390 है भाई। सोलो फ्रेंड्स हमारे सामने यहाँ पे खड़ी है KTM की तरफ से आने वाली ड्यूक 390। अब इस गाड़ी का क्रेज़ भाई बताने की ज़रूरत है नहीं, जितना RC का नहीं है ना उससे ज़्यादा ड्यूक को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड सबसे ज़्यादा जो सेलिंग होती है हमारी 250 एंड 390, और जिसका बजट रहता है वो 390 लेता है, जिसका बजट नहीं ले हो पाता वो 250 से कम चलाता है। बट 390 कहीं ना कहीं हमारी यूथ की धड़कनों में मिली हुई गाड़ी है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमारी KTM ड्यूक 390 को। तो सबसे पहले भाई इसका जो सामने का लुक है ना, सबसे प्यारा लगता है यार। ये जो आपको एलियन शेप पे जो लाइट मिल जाती है, ऐसा लगता है कि कहीं से इसको स्पेसशिप से उतार दिया गया हो, इतनी आपको शानदार इसमें मिल जाती है। और ये देखो 2023 मॉडल है, इस पर क्या क्या अपडेट्स हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। जो स्क्रीन है TFT स्क्रीन आपको यहाँ पर मिल जाती है, KTM RC में भी आपको TFT मिल जाती है, बट इट्स अ KTM RC 200 एंड दिस इज अ 390 ड्यूक। तो जैसा ड्यूक का जो क्रेज़ है भाई, अल्टीमेट ही क्रेज़ है। और जो ड्यूक की जो फ्रेमिंग है, आपको फ्रेमिंग अलग से ही देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो वो फेयरिंग है ना, यहाँ का जो फ्रेम सिस्टम है, फ्रेम सिस्टम आपको अलग से ही देखने को मिल जाता है, जो कि भाई इसके लुक को कुछ और इन्हेंस कर लेता है। यहीं पर आप सामने देखेंगे कि आपको डुअल टोन पे यहाँ पे जो आपको जो मडगार्ड मिलते हैं, इसके लुक को वो ये और अल्टीमेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जो इसका एलॉय है, एलॉय भी बहुत प्यारा, बहुत फिनिश के साथ यार, मतलब KTM है। और आपको पता है इंडिया में बजाज ओन करता है हमारी KTM को, और KTM की जो लुक है एंड पावर परफॉर्मेंस इंडियन रोड के अकॉर्डिंग इसको ही बनाया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में आपको अलग गाड़ियां देखने को मिलेगी, बट हमारे इंडिया में KTM 390 का क्रेज़ जो है भाई अल्टीमेट ही क्रेज़ है। तो ओवरऑल इसका जो लुक है यार दोस्तों, बहुत शानदार है। सामने का आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो स्क्रीन है, आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लचर में इतना कुछ देखने को मिल जाता है, इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको अदर किसी भी व्हीकल में देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसके बाद यहाँ का जो टैंक है और ये वाला जो शेप है, ये भी बड़ा प्यारा शेप लगता है। इसमें आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल एंड मोड्स जो है यहाँ पर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप पूरा जो कंसोल है, पूरे कंसोल को आप यहाँ से, जो जॉयस्टिक तो है ना यहाँ पे, बट जो बटन से आप सब कुछ अपना सेट कर सकते हैं। इसके बाद KTM ड्यूक को लोग ज़्यादा पसंद इसलिए करते हैं कि भाई बहुत से लोगों को फेयरिंग में जो एग्रेसिव लुक रहता है, उसका जो बैठने का पोजिशन रहती है, उसमें उन लोगों को कम्फर्टेबल नहीं होता। तो वहीं जो हमारी ट्रैकर बाइक रहती है ट्रैक के लिए हमारी RC, वहीं नेकेड सिटी के हिसाब से हमारी ड्यूक रहती है। तो ड्यूक को ज़्यादा प्रेफर लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें आपको एक तो कंफर्टेबल मिल जाता है, राइडर कंफर्टेबल के साथ साथ इसमें आपको पिलियन कंफर्टेबल भी मिल जाता है, एंड बैक रेल्स इसकी भी बहुत प्यारी है, और जो बैक प्रोफाइल है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा शानदार अल्टीमेट लग रही है। और ये गाड़ी थोड़ी सी प्रीमियम गाड़ियों में भी आ जाती है, जस्ट लाइक हम जैसे निंजा BMW की बाइक्स को सम्मान देते हैं ना, वैसे ही सम्मान अब ड्यूक को भी चाहिए भैया, क्योंकि ड्यूक भी काफ़ी अच्छी हुई है। कोशिश करता हूँ मैं आपको इसको एग्जॉस्ट नोट सुनाने की, तो हम चालू करते हैं। इसका एग्जॉस्ट नोट आपको RC से थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा, और इसका जो साउंड है, अब देखो ये 390 है तो इसका साउंड भी भाई थोड़ा सा तो खतरनाक आएगा। तो भाई ये चालू होगी अब, ओ भाई प्रेशर देख रहे हो, ये इसका ओरिजिनल साउंड है विदाउट थ्रोटल। अभी देखो थ्रोटल के साथ हल्का साउंड, तो भाई देखो हम इसको ज़्यादा रैप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत नई गाड़ी है ना अभी तो। और आप इसका जो प्रेशर देखेंगे, मैं यहाँ तक फील कर पा रहा हूँ, देखो ये यहाँ तक मेरे कपड़े आप देख सकते हैं, ये देखो है ना, ये मेरे कपड़े इससे उड़ रहे हैं, मतलब 390 है भाई, इतनी हैवी CC की गाड़ी है, तो आप देख सकते हो है ना। जैसे कि इसकी लाइट जो भाई LED है, सब कुछ इसमें आपको LED देखने को मिल जाता है, और आफ्टर मार्केट आपको इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने प्यारे यहाँ पर इंडिकेटर आपको देखने को मिलते हैं। तो अब बात करेंगे हम इसके पावर एंड परफॉर्मेंस की, तो ऑलमोस्ट आपको 373 से लेकर 375 तक का इस पर आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, और 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये गाड़ी आपको जनरेट करके देती है। इतना ज़्यादा टॉर्क आप जहाँ देखेंगे, बुलेट क्लासिक आपको 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देगी, बट इट्स अ रेडी टू रेस, जैसा कि KTM अपनी टैग लाइन में ही बोलती है भाई रेडी टू रेस। तो इसमें आपको 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है, जो कि इतना ज़्यादा है ना कि मतलब खेल ही हो जाएगा। और आपको इसमें अगर हम सेफ्टी की बात करें, तो यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS मिल जाते हैं फ्रंट में भी एंड पीछे भी, और KTM की जो आपको डिस्क की जो प्लेट्स हैं
भाई बहुत ज़्यादा बड़ी एंड बहुत पावरफुल आपको यहाँ पे डिस्क देखने को मिलती है। इंजन के सामने यहाँ पे भी मड कवर लगा है ताकि इंजन को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। और अगर हम इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 2,96,000 एक्स शोरूम इसका डेली है। ऑन रोड आपको ये लगभग 3,40,000 के आसपास पड़ेगी और ये आपके स्टेट और आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको मौका मिले गाड़ी लेने का तो क्या आप ड्यूक लेंगे या फिर आप लेंगे KTM RC। दोनों ही गाड़ी भाई बिंदास गाड़ी है, कोई कंपटीशन नहीं है इन गाड़ियों का इन प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, जो जो फीचर्स और जितनी पावर आपको KTM प्रोवाइड करके देती है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारी दूसरी वीडियो पर।